कुछ देर पहले बड़ी हैरानकुन न्यूज़ आई है कि ईरान ने इसराइल पे लिटरली अटैक कर दिया। मतलब कुछ सोर्सेस कह रही है 100 के करीब मिसाइल्स जो है वो ईरान ने लॉन्च कर दिए। मैं लिटरली अभी वो वीडियो देख रहा था, पहले तो मुझे लगा कोई शादी के पटाखे हैं कुछ, वो आसमान में लाइटें नहीं चल रही होती, ऐसा लग रहा था पटाखे पड़ने वाले। बाद में जब खबर पड़ी तो पता चला कि भाई तो ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दिए। और इसराइल को ये खबर कुछ टाइम पहले ही पहुंच गई थी और उन्होंने अपने शहरियों से रेजिडेंट से पहले कह दिया था कि भाई ईरान जो ट्यूजडे को अटैक कर सकता है तो आप लोगों ने अपने हाइड आउट्स पहले से प्लान करने, जो बंकर्स वगैरह होते हैं ना, जो बंदा जब छुप जाता है जब वॉर टाइप सिचुएशन होती है। क्योंकि इसराइल ने एयर रेड साइरन्स जो है वो ओवरऑल ऑन कर दिए थे, मतलब जब वो करके नहीं बचता कि ये एयर अटैक हो रहा है, वो पूरे लॉन्च पहले से ही कर दिए थे, इंटीमेट लोगों को कर दिया था ताकि वो सेफ हो जाए, छुप जाए। मतलब इसराइल की इंटेलिजेंस जो है वो आगे पता आपको कैसी है। बट ये जो अटैक ईरान ने किया है इसके चार मेजर रीजन है। पहला क्या, अभी लास्ट वीक जो है वो हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरुल्ला को शहीद कर दिया गया। उससे पहले 31 जुलाई को आपका इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया था, जो कि हमास के बहुत बड़े लीडर थे। उसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि ईरान का आग कान नाक है, मतलब मिलिट्री विंग भी है, हर चीज़ है ईरान की, उसके भी एक मेजर कमांडर को इसराइल ने शहीद कर दिया था। मतलब इन तीन मेजर कमांडर्स को इसराइल ने शहीद कर दिया था। और उसके अलावा जो ऑनगोइंग अभी मसला या टेंशन जो है लबनान में चल रही है उसकी वजह से भी, तो कहा यह जा रहा है कि इन मेजर रीजंस की वजह से जो है ईरान ने अटैक लॉन्च किया है। और ईरान ने ये अटैक जो है हिज हाइनेस या हिज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के कहने पे लॉन्च किया है, जो कि अभी खुद एक सीक्रेट लोकेशन पे है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये न्यूज जैसी लबनान में पहुंची ना कि भाई आपका ईरान ने जो इस तरह का अटैक कर दिया है, तो लबनान ही फुल खुशी से पागल हो गए। कहा जा रहा है वहां पे उनके अलग फायरवर्क शुरू हो गए, मतलब गन फायर शुरू हो गए और फुल सेलिब्रेशन का माहौल बन गया, क्योंकि लिटरली खुश हो गए कि भाई ईरान जो है हमारा बदला ले रहा है जो इसराइल ने किया। बट यार ये खुशी तो अपनी जगह, बॉटम लाइन ये है कि टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा रीजनल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। डज दिस एक्चुअली मीन अ वॉर is coming right ahead, a matter of concern for everybody.